हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज। इसे बनाने के लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक 80 पॉइंट और मेन फैब्रिक भी 80 पॉइंट लिया हुआ है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर पेपर पर करेंगे, पेपर को डबल फोल्ड कर। और मैंने बॉर्डर ली हुई है साड़ी की, इसे हम कॉलर के लिए यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने डबल फोल्ड रखा है पेपर को। लेंथ का मार्क करेंगे, लेंथ 15 मुझे रेडी चाहिए तो मैंने 16 पर मार्क किया है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर मेरा 15 है, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। और इस तरह से मैंने मार्क किया है। आर्म होल पे लूंगी 6.75 यानी कि 7.25 इंच। 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग और हम ब्लाउज को बैक ओपन बनाएंगे। 34 हमारा चेस्ट है, उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, 8.5 इंच। और प्लस इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइन बना दी है। वेस्ट में भी मैं इतना ही लूंगी क्योंकि इसमें डार्ट आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो हम सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे। मैंने लाइन बना दी है। लाइन बनाने के बाद आर्म होल लेंथ का सेंटर लिया है और यहाँ से हम 1 इंच पर शेप दे देंगे। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग एज इट इज कटिंग कर देंगे। और अब नेक वेट का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। 4 इंच लिए मैंने गले की चौड़ाई। और लेंथ में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच पर, आप 3.5 तक भी ले सकते हैं। और उसके बाद 1.5 पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। विड्थ में 1.5 इंच लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। और राउंड शेप लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हम नेक लेंथ लेंगे 9.5 इंचेस, 9.5 इस तरह से। उस तरफ मार्क करना है फोल्डेड साइड और इस तरह से शेप दे देना है आपको 1.5 इंच वाले निशान से मिलाते हुए। अब हमें कॉलर के लिए नेक की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंचेस फोल्डेड साइड से। 2.5 पर मैंने मार्क किया है। और लेंथ में हम लेंगे 1.5 इंचेस, 1.5 इंच। और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और शेप दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर अटैच होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और ये शेप अभी हमें रखना है संभाल कर, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, आपको संभाल कर रख लेना है। इस तरह से कटिंग कर ली है मैंने। अब यहाँ से भी कटिंग कर देंगे इसे, और ये ओपन करने पर कुछ इस तरह से आएगा हमारा, इस तरह से डिजाइन आएगा। अब यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है और इसे थोड़ा सा राउंड शेप देकर कटिंग कर देना है। इस तरह से 1/2 इंच इतना शेप दे देना है और कटिंग कर दिया है मैंने। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से मार्किंग लेंगे बराबर रखकर। देखिए, इस साइड भी इस पर मार्किंग ले लेंगे। जो मेन लिप वाली डिजाइन है ना, इस पर हम मार्किंग ले रहे हैं नेक के बराबर, नेक की चौड़ाई के बराबर। अब ये इस जगह से फोल्ड कर देंगे जहां से हमने मार्किंग ली है, तो मैंने फोल्ड कर दिया। और छोटे छोटे से हम कट लगा देंगे यहाँ पर ताकि हमें पता रहे। अब इसे देखिए कपड़े पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कपड़े पर रखकर कटिंग कर लिया इसे, आप देख सकते हैं फैब्रिक पर रखकर। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच मेरा हुकाई की पट्टी के लिए है। अब जितना हमने शोल्डर लिया था 7.5, इतना ही हम ले लेंगे शोल्डर इधर भी। और वही आर्म होल लेंथ लेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट में ली थी। नेक वेट इधर भी हम 4 इंचेस लेंगे। और कपड़ा मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। हमारा जो रहेगा नेक वो बैक ओपन रहेगा। वही आर्म होल लेंथ लिए मैंने 6.75, 7.5 इंच जितनी हमने फ्रंट में ली थी। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर शेप देंगे आर्म होल लेंथ का हाफ करके, क्योंकि ये बैक पार्ट है, बैक में 1.5 इंच पर शेप दिया जाता है। अब यहाँ से हम 6 इंच लेंथ लेंगे और मार्क कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद शेपर से शेप दे देंगे, या नॉर्मली भी आप शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। अब इस तरह से 5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 5 इंच का सेंटर भी मार्क कर देंगे 2.5 पर इस तरह से। और यहाँ से 2 इंच लेंगे हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए, 2 इंच लिया है मैंने। और 2 इंच लेने के बाद में इस तरह से मिला देंगे इस डिज़ाइन को। यहाँ पर मैंने हुक और आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, सिलाई मार्जिन, ठीक है। उसी को छोड़कर मैंने नेक विड्थ और सारी मार्किंग ली है। तो इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन का मार्क कर दिया है। अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने कटिंग कर ली है, यहाँ पर 1/2 इंच मैंने रखा है हुकाई की पट्टी के लिए। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, आपको इसे लाइनिंग पर भी कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट बैक की कटिंग हम अस्तर पर कर लेंगे। तो मैंने अस्तर पर कर ली है, ये मेरे फ्रंट पार्ट की राइट साइड है, इस पर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे। और मैंने बुकरम को चिपका लिया है इस पर, देखिए। और राइट साइड अंदर है, स्टिक करने से क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमें पट्टी भी नहीं बनानी पड़ेगी। अब 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है, नीचे कमर में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब छोटे छोटे से कट लगा देंगे कॉर्नर्स पर। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। बुकरम वाली साइड को अस्तर पर चिपका कर आप बाहर की तरफ रखिएगा ताकि टर्न होने पर अंदर चला जाए। अब इसे हम पलट देंगे और इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाकर इसे मैं पलट देती हूँ, उल्टा कर लेती हूँ ताकि डार्ट की मार्किंग ले ले। 3.5 पर हम लेंगे सेंटर से, और ऊपर से बस पॉइंट मेरा 10 है तो हम 10.5 पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसकी सीध में एक निशान ले लेती हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
इस तरह से मैंने लाइन बना दी है। अब हाफ इंच इस साइड लेंगे इसके और हाफ इंच इस साइड लेंगे और इस तरह से हमारा डार्ट बन जाएगा। मैं इसमें डायरेक्ट प्रिंसेस कट बनाऊंगी, तो इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसे आर्म होल में शेप देते हुए ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी डायरेक्ट प्रिंसेस कट बन जाएगी, बहुत ही ईजी है, उसमें सेल बनने की टेंशन नहीं होती है। अब इसे सेंटर से पकड़ते हुए आपको इस तरह से स्टिच कर देना है। देखिए अब यहां पर जाकर जो बस पॉइंट का मार्क है ना, वहां से आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल नाम मात्र। इसी तरह से हमें एक और साइड भी स्टिच कर देना है। अब हम डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन की कटिंग करेंगे, तो जो पेपर था ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग की है। मैंने इसे बुकरम पर और फैब्रिक पर रखकर चिपका लिया है। देखिए जो हमने कट लगाया था ना पेपर में, उससे नीचे की तरफ मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। देखिए इस तरह से हाफ हाफ इंच और पौना इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 0.75 भी लेंगे तो चलेगा। और मैंने इसे बुकरम और लाइनिंग पर स्टिक किया है। अभी मैंने मेन फैब्रिक लिया है, देखिए यहां पर जो कट है ना, इस मेन फैब्रिक में मैंने ये कट नहीं दिया है ताकि अच्छे से हम स्टिच कर सके। मेन फैब्रिक और लाइनिंग लिए मैंने यहां पर, और इसमें कट नहीं दिया है मैंने जो कि हमने पेपर में दिया था। अब ये इसकी राइट साइड है, इसे अंदर रखेंगे और इस तरह से रख देंगे। और ये जो कट है ना, यहां तक हमें स्टिच लगाना है। देखिए यहां से लेकर यहां तक हम स्टिच लगाएंगे दोनों साइड, नीचे हम स्टिच इसमें नहीं लगाएंगे। तो मैं चलिए मशीन पर आपको स्टिच लगाकर दिखाती हूं कि आपको किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से जो कट वाला साइड है वहीं तक हम स्टिच इस तरह से लगाएंगे जैसे मैंने आपको मशीन पर लगाना बताया है। इस तरह से सेम इस साइड भी लगा लेंगे हम स्टिच, हमें नीचे तक नहीं लगाना है। पहले हम इसे टर्न करेंगे, देखिए सबसे पहले कट लगा देंगे छोटे छोटे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। मैंने कट लगा दिए, अब मैं इसे पलट दूंगी और पलटने के बाद अब हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है ताकि ये दोनों फैब्रिक आपस में अच्छे से स्टिच हो जाए। राइट साइड ही मैं स्टिच लगा रही हूँ, एक नॉर्मल स्टिच लगा रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर, ताकि ये दोनों पार्ट अच्छे से फिक्स हो जाए और फिनिशिंग आ जाए जो हमने कॉर्नर पर कट्स वगैरह लगाए और टर्न किया है वहां पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी। अभी मैंने मेन फैब्रिक हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है फिनिशिंग की सिलाई लगाकर। अब जो हमने पार्ट तैयार किया है डिजाइन का वो हम रखेंगे इस पर, देखिए कुछ इस तरह से रख देंगे। हमने हाफ हाफ इंच, देखिए जहां से हमने कट है ना, कट और नेक को हम इस तरह से बराबर से मिलाएंगे, इसीलिए हमने आधा से पौना इंच एक्स्ट्रा लिया था ताकि ये जो सिलाई में हमारा चला जाए। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसे मैं अंदर की तरफ करूंगी और यहाँ पर हम पिनअप कर सिलाई लगा देंगे पूरे में इस तरह से। और हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है, देखिए किनारे किनारे पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर हम सिलाई लगाएंगे, डिजाइन पर नहीं लगाएंगे। इस तरह से डिजाइन को अंदर रखेंगे हाफ इंच और बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर और नेक से नेक को मिलाकर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच इतना इस तरह से शेप दे देंगे और कटिंग कर देंगे हाफ इंच इतना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने राउंड में शेप देकर कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हमारी कॉलर बनकर लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारा है, इस तरह से हम लेस लगाएंगे इस पर नेक पर। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक लेस लेकर कट कर देंगे बराबर में और लगा देंगे, देखिए इतना इतना टुकड़ा लगाएंगे। फिर इस साइड के लिए भी ऐसे ही एक कट कर लेंगे लेस का टुकड़ा और फिर यहां से यहां लगाएंगे। तो जो हमने लेस पहले लगाई है ना वो इस तरह से कवर हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस लेस लगा ली है इसमें। अब लेस लगाने के बाद हमारा जो काम है वो है, आप यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉलर के लिए देखिए बॉर्डर यूज कर रही हूँ। आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप लेस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका कॉलर राउंड है उससे आपको एक इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेरा 16 है तो मैंने 17 लिया है, 17 इंच लिया है। और विड्थ में आपको 3 इंच ले लेना है, तो ये आधी फोल्ड होगी तो आपकी 1.25 इंच की कॉलर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने विड्थ में लिया है। अब उसके बाद में यहाँ का सेंटर निकालेंगे, हमें जो राउंड है ना इसका सेंटर निकालना है और कॉलर का भी हमें इसी तरह से सेंटर निकालना है। तो इसके कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे हम चौक की हेल्प से दोनों साइड। तो मैंने सेंटर मार्क कर लिया है इस तरह से। अब इस डिजाइन का भी हमें सेंटर निकालना है, तो इसके लिए भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पर एक मार्किंग आ जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम चौक से मार्क कर देंगे। उसके बाद ये कॉलर इसकी राइट साइड और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए राइट साइड को अंदर रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिला देंगे। कॉलर की राइट साइड ये वाली अंदर रखी है, मैंने बुकरम यूज नहीं किया है क्योंकि मेरी जो बॉर्डर है वो थिक है, आप यहाँ बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करूंगी, देखिए सेंटर से मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पर जाकर हम स्टिच को रोक देंगे, ठीक है। अब इस साइड से भी स्टिच कर दिया है इसे, देखिए सेंटर सेंटर से पूरा। अब आपको इसे पलट लेना है, पलटने के बाद में हाफ इंच हम इस वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। पहले ही फोल्ड कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से मैं हाफ हाफ इंच इस फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ, तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में इसे हम इस तरह से पलट लेंगे, जो हमने पहले कॉलर लगाई है उसे हम अंदर की तरफ करेंगे और यहां से भी हम हाफ इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए हाफ इंच मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से आधा आधा इंच दोनों को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे, जितना हमने सिलाई में लिया है उतना ही हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे।
अब यहाँ पर भी स्टिच करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलर की पहले सिलाई हमने लगाई है वो अंदर की तरफ रहे हमारी। अब यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे, दोनों को हाफ हाफ इंच फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से कॉलर स्टिच हो जाएगी। यहाँ से भी हम हाफ इंच फोल्ड कर देंगे इसे, तो मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे, तो बैक पार्ट की राइट साइड को मैंने आमने सामने और अंदर की तरफ रखा हुआ है राइट साइड, और यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे, हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे पूरी, और छोटे छोटे कट लगाकर पलट देंगे हम इसे। तो मैंने कट लगाकर इसे पलट देना है, नीचे कमर में भी मैंने सिलाई लगा दी है, तो इस तरह से मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद यहाँ पर हम ये लेस लगा देंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे नीचे भी, और हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने लेस लगा ली है, हुकाई की पट्टी भी लगा ली है और इसे सीधा कर लिया है। और हुकाई की पट्टी अगर आपको नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड मैंने अंदर रखी है, और हम यहाँ पर शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए राइट साइड अंदर रखकर। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम स्लीव अटैच करेंगे, तो मैंने दोनों की राइट साइड को रखा मिलाते हुए, और फ्रंट को फ्रंट से मिलाया है, बैक को बैक से मिलाया है, और इस तरह से सेंटर से स्लीव को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब हम फिटिंग लगा लेंगे राइट साइड को अंदर रखते हुए। इस तरह से दो दो इंच जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली, और दोनों साइड टू टू इंच का मार्जिन लेकर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। तो देखिए मेरा ब्लाउज पूरा बनकर तैयार हो गया और काफी सुंदर इसका लुक आ रहा है। काफी इसका फ्रंट डिजाइन है जिसमें कॉलर मैंने लगा दिया है। मैं आपको इसका बैक का डिजाइन बता देती हूँ। बैक में मैंने डोरी अटैच कर दी है सिंपली, और हुक और आई लगा दी है, और इसके स्लीव की डिजाइन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देखकर बनाना सीख सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।